आद्या ने लिया अनुपमा से कौन सा वादा? बड़ी अनु की चाहत या छोटी अनु की नफरत? किसकी होगी जीत? क्या अनुज को एक आखिरी अलविदा कह पाएगी अनु? कैसे चली जाएगी अनुज की याददाश्त? आइए बताते हैं आपको हर छोटी और बड़ी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम। अनुपमा की जिंदगी में आद्या लेकर आएगी कभी ना खत्म होने वाले दुखों का अंबार। कब, कैसे और क्यों जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में पाखी और पारितोष के इल्जामों और कड़वी बातों का धुआंधार जवाब देंगी अनु और काव्या। ऐसे में जब अनु जाएगी आद्या के पास तो वो मांगेगी उससे एक वादा जो बदल देगा आने वाले सालों में रिश्ते की बुनियाद। आखिर ऐसा क्या मांगेगी आद्या? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शो के लेटेस्ट एपिसोड में जब अनुपमा आद्या के पास खाना लेकर जाएगी तो वो उसे जम कर खरी खोटी सुनाएगी, और यही नहीं बल्कि पाखी और पारितोष को सही भी ठहराएगी। ये सब सुनकर अनु का दिल दुखेगा, और ऐसे में आद्या उससे मांगेगी अपने प्यार को साबित करने का एक आखिरी मौका। वो अनु से कहेगी कि अगर आप सच में मुझसे और पॉप से प्यार करती हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जब अनु ऐसा करने से झिझकेगी तो आद्या अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, और ऐसे में घबरा कर अनु मान लेगी उसकी जिद और कर देगी एक ऐसा वादा जो उस पर और हमारे मान पर बहुत भारी पड़ेगा। मीडिया सूत्रों की माने तो अनुज अनुपमा से एक आखिरी बार भी नहीं मिल पाएगा, और फिर जब उसके लाख ढूंढने पर भी उसे अनु नहीं मिलेगी तो आद्या उसके दिमाग में ये बात डाल देगी कि अनुपमा उसे बिना बताए उसे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उसके दिल में अनुज के लिए कोई जगह कभी थी ही नहीं। यूं तो वो छोटी अनु की बात को दिल पर नहीं लेगा, लेकिन उसके मन में अनुपमा के लिए धीरे धीरे नफरत के बीज बोए जाएंगे, क्योंकि अनुज को अनु का उसे यूं बिना किसी अलविदा के छोड़ जाना बहुत खलेगा और वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनुपमा शो से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनुपमा से यूं जुदा होने का गम अनुज नहीं झेल पाएगा और उसकी याददाश्त चली जाएगी। वो सब कुछ भूल जाएगा, आद्या, श्रुति, अपना अतीत, वर्तमान, सब कुछ। लेकिन एक इंसान, एक याद जो उसके जहन में हमेशा रहेगी वो होगी अनुपमा। ऐसे में आद्या को होगा अपनी गलती का एहसास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उसके ढूंढने पर भी अनु उसे कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत का फेर होगा और एक बार फिर आमने सामने आएंगे अनुपमा और अनुज। कब, कहां और कैसे ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, थी ना मजेदार अपडेट, और हो भी क्यों ना, बात यहाँ अनुपमा की जो है। बस अब आद्या की ये गलती उसे कितनी भारी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच अनुपमा और अनुज के मिलन की तड़पन कब होगी खत्म और कैसे होगा उनका महामिलन, इसका हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। फिलहाल इस तरह की और भी जूसी टेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।